हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प पे। तो दोस्तों, हम हैं ई एम आर एस की ऑफिशियल वेबसाइट पर और फाइनली आपके लिए ई एम आर एस का जो कल डेट जारी की गई थी 16, 17, 23 और 24, तो उसमें भी उसको पूरा ऑफिशियली बता दिया गया है उसके अंदर भी कि किस डेट में किस पोस्ट का एग्जाम है, किस शिफ्ट में किस पोस्ट का एग्जाम है, पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया गया। देखिए, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा चलाने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं चला देता हूँ, फिर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये वाला, ये हमारे एग्जाम शेड्यूल फॉर ESSC 2023, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जो निकल के आएगा वो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि क्या हमें निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जो शेड्यूल है पूरा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकी, देखिए तो ये है आपका दोस्तों पूरा शेड्यूल जो कि आपको दिख रहा हुआ। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ, देखिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सेलेक्शन एग्जाम ESSSC 2023, द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ ई एम आर एस थ्रू ESSC सेल वी कंडक्ट बाय CBSE इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, और इसके अलावा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए मोड इन्होंने लिख दिया डिजिटल ऑफ एग्जाम के यहाँ पर, कि मोड जो रहेगा वो आपका OMR शीट बेस्ड जो आपका मोड है वो रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी पोस्ट दे रखी है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है, यानी कि किस पोस्ट का किस डेट में किस शिफ्ट में। इसमें बगल में देखिए शिफ्ट भी लिखी हुई है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, तो शिफ्ट में भी आपको बता रखा है किस शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस शिफ्ट में आपका एग्जाम जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम इसे ले लेते हैं और इस तरीके से हम इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले प्रिंसिपल का है, और जिसका जो एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को मॉर्निंग की शिफ्ट में, उसके बाद PGT का एग्ज़ाम है जो कि 16 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में है। तीसरे नंबर पे हॉस्टल वार्डन जिसका एग्ज़ाम 17 की मॉर्निंग शिफ्ट में है, और 4 तारीख को है जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट जो कि आपका मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम है, पोस्ट है, तो उसका है आपका, अरे भाई एक सेकेंड रुक जाना, इसका है आपका, देखिए इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो है आपका 17 तारीख की इवनिंग में। तो 17 तारीख की इवनिंग में यानी कि एक दिन और आपके पास बढ़ गया, जो 16 तारीख को सोच रहे थे हम वो 17 तारीख को, ठीक है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, और उसका 23 तारीख को मॉर्निंग में, TGT का 23 तारीख को इवनिंग में, और TGT मिसलेनियस का 24 तारीख को मॉर्निंग में, और अकाउंटेंट का 24 तारीख की इवनिंग में, यानी अकाउंटेंट को सबसे ज़्यादा यहाँ पर समय दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 17 तारीख की इवनिंग वालों को जो है हॉस्टल वार्डन के एग्जाम से पता चल जाएगा, हालांकि उसमें गैप ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी आपकी डिटेल है कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ये आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए तो इसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन अभी डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने डाली नहीं है, जस्ट मेरे को पता चली है, तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ, और भी यहाँ पर मैंने ढेर सारे, ये देखिए इसका जो सिलेबस वगैरह है जो भी, और जितनी वीडियोस अपडेट आती है मैं सारा कुछ यहाँ पर डाल देता हूँ आपके लिए, तो इसको देख लेना। और ये एग्ज़ाम की रणनीति बताई थी मैंने, तो उसको देख लेना कि किस तरीके से आप लास्ट के 20 डेज में आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक सीरीज लेके आने वाला हूँ आपके लिए, देखिए कितने क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ भाई, एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड, इसको ऐसे क्लिक करते हैं यहाँ से, देखिए ये देखिए ये एक एक से स्टार्ट है, और ये आप क्वेश्चन देखें कितने हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए नीचे ले आता हूँ, 578 क्वेश्चन, यानी कि 600 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि हिस्ट्री के प्रारंभ से लेकर प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक पूरे 600 क्वेश्चन, इस विश्व इतिहास के भी क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख ही रहे होंगे, इटली के पुनर्जागरण का कवि कौन था, द लॉज एवं रिपब्लिक पुस्तक, दास कैपिटल रचना किसकी, काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल लगभग 600 के, अब 600 क्वेश्चन ये मान सकते हैं, ये पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारी है कंप्यूटर वगैरह की बुक लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये हमारा चैनल खुल गया, तो इसको जाके अभी से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ढेर सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है आपके लिए, देखिए ये हमारे से रिलेटेड, ये हमारे ब्रह्मास रेडी थी, एग्जाम डेट आउट हो गई, एडमिट कार्ड अपडेट मैंने सुबह ही दी थी आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी वीडियो चलाओ लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय, टूट गया भाई टूट गया।